बेशरम बहू। सीमापुर गांव में विशाखा गहरी नींद में सोई हुई थी और उसके बगल में रखे मोबाइल फोन की घंटी लगातार बज रही थी। अचानक मोबाइल फोन की घंटी से उनकी नींद खुल गई। जब उन्होंने अपने मोबाइल की ओर देखा तो आदित्य कॉलिंग लिखा आ रहा था। आदित्य उनका इकलौता बेटा था जो शहर में जॉब करता था। विशाखा ने फोन उठाया और तभी आदित्य बोला, माँ तुम ठीक हो ना? पता है मैं कितना परेशान हो गया हूँ सोच सोच कर। अरे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुखिया चाचा का कॉल आया था, उन्होंने बताया आज सुबह तुम्हें चक्कर आ गया था। अरे बेटा अब मेरी उम्र बढ़ रही है, कुछ न कुछ तो लगा ही रहेगा। इस तरह से परेशान मत हुआ कर, मैं ठीक हूँ। विशाखा की बात सुनकर आदित्य ने बोला, माँ जब बचपन में मैं बीमार हो जाता था तो आप अपना मुंह सुखा लिया करती थी, खाना पीना सब छोड़कर तुम मेरी देखभाल करने लगती थी। माँ जिस तरह तुम मेरी फिक्र करती थी मुझे भी तुम्हारी फिक्र होती है। देखो अब मैं तुम्हें गांव में नहीं रहने दूंगा, मैं कल ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अरे तुझे पता है ना मेरा शहर में मन नहीं लगता, और मैं शहर आ गई तो यहाँ की खेती बाड़ी कौन देखेगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस यहाँ आ जाओ, मैं और माही तुम्हारा बहुत मन लगाएंगे। माही आदित्य की पत्नी का नाम है। 10 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। माही दिखने में बहुत ही सुंदर है, गोरा रंग, लंबे बाल, ऊंचा कद उसे बहुत खूबसूरत बनाता है। तुम्हारी बहू तो सच में लाखों में एक है विशाखा। अरे कमला तू मेरी बहू को नजर मत लगा देना। अब अपनों की भी नजर लगती है क्या विशाखा? विशाखा माही को अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि बहू थोड़े दिन उसके पास गांव में रहे, लेकिन माही तो शहर में रहने वाली थी, उसका मन कहाँ लगता गांव में। ये सोचकर विशाखा ने अपने दिल की बात माही से कभी कही ही नहीं। अपने बेटे आदित्य की जिद पर विशाखा को अपने बेटे के साथ शहर आना ही पड़ा। पता है माँ अब मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम तुम हमारी आंखों के सामने तो रहोगी तो हमें तसल्ली रहेगी, और हाँ तुम्हारे हाथों के कढ़ी चावल भी तो खाने को मिलेंगे मुझे। विशाखा को अपने बेटे के पास आए हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता ही बीता था। एक दिन उनके मोहल्ले में रहने वाली एक औरत विशाखा से तब मिली जब वो सब्जी खरीद रही थी। उस औरत ने विशाखा को एक और बुलाया और बोली, आप आदित्य की माँ है ना? जी मैं आदित्य की माँ हूँ। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी कहिए ना। देखिए मैं आपके मोहल्ले में ही रहती हूँ, मेरा नाम मीनाक्षी है, मुझे आपकी बहू के बारे में कुछ कहना है। मेरे बहू के बारे में? उसके बाद उस औरत ने माही के बारे में जो कहा उसे सुनकर विशाखा के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। ये आप क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं? कुछ भी बकवास किए जा रही हैं। मैंने कहा था ना आपको शायद बुरा लग जाए, लेकिन मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए, बस यही कहेंगे कि आदित्य के ऑफिस जाने के बाद आपकी बहू से मिलने हर दिन एक आदमी आता है, आपकी बहू उनके साथ कहीं दूर घूमने निकल जाती है और फिर आदित्य के ऑफिस से आने से पहले वापस घर आ जाती है। हाँ तो इससे क्या साबित होता है? मेरी बहू को कुछ काम होता होगा, वो पढ़ी लिखी है, शायद उसने कोई काम शुरू भी किया हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। देखिए ये सब दिल बहलाने की बातें हैं, वैसे पूरा मोहल्ला आपकी बहू को चरित्रहीन औरत कहता है। बस खामोश हो जाओ, मैं कुछ कह नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहती रहोगी। ये कहकर विशाखा पैर पटकती हुई वहाँ से घर आ गई। घर पहुंचकर भी उसके कानों में उसी औरत की बातें गूंजती रही। जब से मैं आई हूँ मेरी बहू तो सारा दिन घर पर ही रहती है, मेरी सेवा भी पूरे मन से करती है, फिर वो औरत माही के बारे में इतनी घटिया बातें क्यों कह रही थी। विशाखा सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी माही पूरी तरह सज धज कर उसके पास आई और बोली, माँ जी मैं थोड़ा काम से मार्केट जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए मैं लेती आऊंगी। अरे नहीं नहीं तू जा, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ माँ जी मैंने आपकी दवाई आपके कमरे में रख दी है, याद से खा लीजिएगा।
ये कहकर माही बाहर चली गई। उसके जाने के बाद विशाखा मन ही मन सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है मेरी, मेरा कितना ध्यान रखती है। उस दिन के बाद माही दोपहर को किसी न किसी बहाने से बाहर चली जाती और शाम को आती। एक दिन की बात है, विशाखा को मार्केट में कुछ काम था, माही तो घर पर थी नहीं। विशाखा ने माही को फोन लगाया तो उसका फोन बंद आ रहा था। बहू का फोन तो ऑफ आ रहा है, लगता है मुझे ही मार्केट जाना होगा। विशाखा अकेली ही मार्केट निकल गई। वहां से जब वो अपना काम करके घर लौट रही थी, तभी उसे एक होटल से माही निकलती हुई दिखी। उसके साथ एक आदमी भी था जिसने माही का हाथ पकड़ रखा था। माही भी उसे चिपक कर खिलखिलाकर बातें कर रही थी। विशाखा ने जब ये सब देखा तो वो हैरान हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये तो बहू है, ये यहाँ इस गैर मर्द के साथ क्या कर रही है। अचानक ही विशाखा की आंखों के आगे उस दिन मिली वो औरत आ गई। उसकी कही बातें फिर से विशाखा के कानों में गूंजने लगी। ये सब क्या है, क्या उस दिन वो औरत जो बोल रही थी सच बोल रही थी। हे भगवान, मेरी बहू चरित्रहीन औरत है। हे भगवान, आदित्य को ये मालूम चलेगा तो क्या होगा, वो तो माही को बहुत प्यार करता है। माही अपने पूर्व प्रेमी को भूल नहीं पा रही थी। हालांकि उसने शादी तो आदित्य से कर ली थी, लेकिन उसने अपने प्रेमी से मिलना जुलना नहीं छोड़ा था। विशाखा घर आ गई। उसके आने के थोड़ी देर बाद माही भी आ गई। उसको देखते ही विशाखा बोली, कहाँ गई थी बहू। विशाखा ने माही से इतने गुस्से में कभी बात नहीं की थी, इसलिए माही चौंक गई। क्या हुआ माँ जी, मैं कुछ काम से गई थी। कौन सा काम। वो बैंक का काम था। वैसे कोई बात थी क्या माँ जी, कुछ लाना था क्या। हाँ लाना तो था, लेकिन तुमने तो अपना मोबाइल ही ऑफ कर रखा था। मोबाइल वो माँ जी बैटरी खत्म हो गई थी। माही विशाखा से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी। विशाखा के सवालों का जवाब देते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। वो तबीयत खराब का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। विशाखा ने आदित्य को माही का सारा सच बताने को सोचा, लेकिन उसे लगा इससे आदित्य की जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो माही पर इतना विश्वास करता है, अगर उसे उसके विश्वासघात के बारे में पता चलेगा तो ना जाने वो कौन सा कदम उठाएगा। मुझे बहू को समझाना होगा, क्या वो मेरी बात समझेगी। कुछ दिन तो माही घर में चुपचाप रही, लेकिन एक दिन अपनी आदत के अनुसार वो अपने प्रेमी महेश से मिलने के लिए काम का बहाना बनाकर घर से निकल गई। विशाखा उसके बहाने को समझ गई थी। उसने माही का पीछा किया और वो एक पार्क में पहुंची। उसने वहां देखा कि एक आदमी माही के सामने चाकू लिए खड़ा है। बेशर्म औरत, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ अपने पति को छोड़ दे, एक साथ दो नाव में पैर क्यों रख रही है तू। ये मैं नहीं कर सकती, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। दो दो लोगों से प्यार, बेशर्म औरत, ये कैसा प्यार होता है। ऐसा लगता है तुझे बहुत घमंड है अपने रूप पर। रुक, आज मैं तुझे खत्म ही कर देता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो महेश। वही जो तेरे जैसी चरित्रहीन औरत के साथ करना चाहिए। मौत, मौत दूंगा मैं तुझे। महेश चाकू लेकर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी विशाखा भागकर माही को धक्का देकर महेश के आगे से हटा देती है और चाकू सीधा विशाखा के पेट में लग जाता है। विशाखा का शरीर खून से लथपथ हो गया, वो जमीन पर तड़पने लगी। ये देखकर महेश वहां से भागने की सोच रहा था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को कॉल कर दिया। माही ने जब अपनी सास को जमीन पर तड़पते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। माँ जी, ये आपने क्या किया, मेरी गलतियों की सजा आपने अपने सिर क्यों ले ली। माही पुलिस की मदद से विशाखा को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। पूरे 3 दिन कोमा में रहने के बाद विशाखा को होश आया, और जब उसे होश आया तो माही उसके पास आंसू बहाते हुए बैठी थी। माही विशाखा से माफी मांगती है। कुछ दिनों बाद विशाखा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाती है। इस घटना के बाद माही बिल्कुल सुधर गई। उसने नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।